प्रदेश शिप शेयरर की समस्याओं व मांगों को लेकर प्रदेश पूल फेडरेशन शिप शेयरिंग यूनियन के प्रधान तिलक चंद तथा यूनियन के सचिव प्रताप सिंह ने नेतृत्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा। यूनियन के सचिव प्रताप सिंह ने कहा कि 2 माह पहले अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, तब पूल फेडरेशन के अध्यक्ष रघुवीर सिंह ने व पूर्व अध्यक्ष त्रिलोकपुर के आश्वासन पर हड़ताल को स्थगित किया गया था और ये आश्वासन दिया था कि सरकार द्वारा 2 महीने के भीतर आपकी मांगों को मान लिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश बूल फेडरेशन के अध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार व विभाग ने हमारी मांगों को नहीं माना है और जब त्रिलोक कपूर से बात की जाती है तो वे कहते हैं कि हम प्रदेश से बाहर हैं। प्रदेश शिप शेयरर की समस्याओं व मांगों को लेकर प्रदेश बूल फेडरेशन शिप शेयरिंग यूनियन के प्रधान तिलक चंद तथा यूनियन के सचिव प्रताप सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा गया। यूनियन के सचिव प्रताप सिंह ने कहा कि 2 माह पहले अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, तब बूल फेडरेशन के अध्यक्ष रघुवीर सिंह व पूर्व अध्यक्ष त्रिलोकपुर के आश्वासन पर हड़ताल को स्थगित किया गया था और ये आश्वासन दिया था कि सरकार के द्वारा 2 महीने के भीतर आपकी मांगों को मान लिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश पुल फेडरेशन के अध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार व विभाग ने हमारी मांगों को नहीं माना है और जब त्रिलोक कपूर से बात की जाती है तो कहते हैं कि हम प्रदेश से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि तपोवन में विधानसभा सत्र के दौरान पहले दिन उनकी समस्याओं को सुना तथा समाधान करने के लिए मंत्री ने आश्वासन दिया और दूसरे ही दिन उन्होंने ये बहाना लगाकर उनकी मांग को टाल दिया कि अभी आपके कागज पूरे नहीं हैं। उन्होंने पशुपालन व बूल फेडरेशन विभाग पर आरोप लगाया कि इन दिनों विभागों के बीच हमारी फाइल को दबाया गया है जिस कारण काम में बाधा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश बूल फेडरेशन द्वारा आयातित मशीनों को पिछले 10-15 साल से कमीशन पर शिप शेयरिंग का कार्य करते आ रहे हैं। हम बहुत ही कम मजदूरी, जो कि वर्ष में औसतन प्रतिमा केवल 4 से 5 हजार के बीच में मजदूरी मिलती है, जो कि कुशल न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम है, पर काम करते हैं। हम इस कार्य को लगातार इसलिए करते आए हैं क्योंकि बूल फेडरेशन के अधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से हमें ये बताया गया था कि आपको बहुत जल्द बूल फेडरेशन में सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन केवल 3 शिप शेयरों को ही प्रदेश बूल फेडरेशन में सम्मिलित किया गया है। मेरा नाम मालवर है, मैं शिप शेयरिंग यूनियन का सचिव हूँ और हम 2006 से शिप शेयरिंग का कार्य बूल फेडरेशन के द्वारा कर रहे हैं और 2017 में इन्होंने 3 बंदे जो है कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध में रख लिए और उसके बाद हम तीन चार सालों से सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें भी बूल फेडरेशन में सम्मिलित किया जाए और हम धर्मशाला में भी विधानसभा में मिले थे मंत्री से, एमडी से, और एमडी ने बताया कि जब सरकार हमें बजट देगी तो हम आपको सम्मिलित कर सकते हैं, नहीं तो पशुपालन आपको रखे। और 23/9/2019 में हम धरने पे भी बैठे थे और उसमें पूर्व अध्यक्ष त्रिलोकपुर के द्वारा और घुमंतू भेड़पालकों के द्वारा उनके आश्वासन के ऊपर हमने 7/10/2019 को हमने हड़ताल वापस ले ली और काम को चले गए। उन्होंने बोला कि आपका 2-3 महीने में आपका हल कर देंगे और आज तक कोई हल नहीं हुआ, और अगर आज भी हमारा हल नहीं होता तो हम फिर हड़ताल में चले जाएंगे।